इंडिया में कई सारे लोग अल्सर जैसी खतरनाक कंडीशन से लड़ रहे होते हैं, और अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खाना खाने के बाद एक्सट्रीम पेन होता है जो अनबेरेबल होता है। अगर आपको भी अल्सर है या आपके किसी फैमिली मेंबर को अल्सर है तो आज का वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज आज हम अल्सर को समझेंगे और अल्सर की वजह से होने वाली डिजीज़ को समझेंगे, उसकी वजह से जो सिम्टम आते हैं उसको समझेंगे और उसकी क्या डाइटरी ट्रीटमेंट होती है जिसकी वजह से आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े और घर से ही आप खाने पीने में छोटे मोटे चेंजेस के साथ अल्सर को ख़त्म कर सके उसकी हम चर्चा करेंगे। अल्सर को आप अपने GI ट्रैक्ट के अंदर एक घाव की तरह या इरोजन की तरह गिन सकते हैं। समझिए कि अगर आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई घाव लगा है, ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे कोई मिर्ची है उसके ऊपर, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन की दवाई अप्लाई करेंगे या तो डेटॉल अप्लाई करेंगे या तो आप नमक अप्लाई करेंगे, वो पेन होगा। आप समझिए आपके लोकलाइज रीजन में, आपके ऑर्गन्स में, स्टमक में, ड्यूडेनियम में, माउथ में, आपको कॉलन में, बड़ी हथड़ी में अगर ऐसे कोई घाव हो जाएंगे जहाँ से ब्लीडिंग होगी, स्कारिंग होगी, टिश्यू डैमेज होगा, तो वहाँ पे जब खाना उसे टच करेगा या एसिड का प्रमाण बॉडी में बढ़ेगा तो एक्सट्रीम पेन होगा। अल्सर भी सेम कंडीशन है, तो इसी वजह से इसके कई सारे टाइप्स हो सकते हैं उसके रीजन के अकॉर्डिंग। स्टमक में हुआ तो स्टमक अल्सर या पेप्टिक अल्सर, अगर आपके ड्यूडेनियम में हुआ तो ड्यूडेनियल अल्सर, अगर आपके माउथ में हुआ तो माउथ अल्सर। माउथ अल्सर तो बहुत कॉमन है, देखिए कई बार आपको भी हुआ होगा कि माउथ के अंदर कोई भी चीज़ खाने के बाद आपको पेन होता होगा और वहाँ पे अगर देखने पे आपको स्कारिंग या ब्लीडिंग होता होगा, वो माउथ अल्सर है। बहुत सिंपल, ऐसा ही आपके ऑर्गन्स में होता है। और कॉलन अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस या तो पूरे GI ट्रैक में तो क्रॉन्स डिजीज, ऐसे कई सारे टाइप्स इसके होते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं कि जिसकी वजह से अल्सर होता है। पहला रीज़न होता है हेलिकोबैक्टेरियल इन्फेक्शन, यह सबसे प्रोमिनेंट रीज़न है। दूसरा रीज़न हो सकता है अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, जंक फूड, स्पाइसी फूड, ऐसे फूड कंज्यूम करना जिस वजह से, या टॉक्सिक एलिमेंट्स या सब्सटेंस को लेना जैसे कि पेन किलर, जिसकी वजह से आपको अल्सर होता है, बॉडी जो है उसे मेटाबोलाइज नहीं कर पाती और ऐसे इरोजन कर देती है। थर्ड होता है हेरिडिटरी, आपको ये चीज़ जीनेटिक्स में भी मिल सकती है आपके फादर एंड मदर से। और फोर्थ होता है कोई कॉन्सिक्वेंट इवेंट कि जिस वजह से, जैसे कि स्ट्रेस है, जैसे कि तनाव आपको ज़्यादा रहता है, मेंटल स्ट्रेस जैसी चीज़ें जो है वो लंबे समय के बाद इसे कॉज करती है। तो ये चार प्रोमिनेंट रीज़न इसके हो सकते हैं। अल्सर जो है उस कंडीशन में आपको क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन अल्सर? तो जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद अल्सर जो वहाँ पे हुआ है वो ऑर्गन या रीजन पे जब खाना पहुँचेगा तो उस समय पे आपको एक्सट्रीम पेन होगा। जैसे कि अगर स्टमक में या ड्यूडेनियम में अल्सर है तो खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद पेन होगा, आपके कॉलन में है तो आपको 3-4 घंटे बाद पेन होगा। खाना जब वहाँ पे पहुँचेगा तब पेन होना सबसे बड़ा सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा जब आप फिजिशियन या GI ट्रैक के एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो एंडोस्कोपी भी करते हैं, जिससे पता चलता है कि आपको कौन से रीजन में कितना और किस हद तक अल्सर फैला हुआ है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट फिक्स होती है। और ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में दवाइयाँ जो है बेसिक वो चालू करनी होती है अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट। और उसके अलावा मेजर जो डॉक्टर भी बोलेंगे, डाइटरी ट्रीटमेंट मतलब आपके लाइफस्टाइल में चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट होता है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। डाइटरी ट्रीटमेंट में पहली ट्रीटमेंट ये आती है, अवॉइड स्पाइसी फूड और चूज द ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट एक ऐसा डाइट होता है कि जिसमें कोई स्पेसिफिक फूड नहीं खाने, लेकिन आप जो फूड खाते हैं उसमें से आपको मसाले कम कर देने हैं, स्पेशली मिर्ची। ओके, तो आप मसाले के अंदर थोड़ा नमक है, थोड़ी हल्दी है, बिकॉज हल्दी इज़ ए वेरी गुड एंटी इन्फ्लामेटरी। ओके, कहीं पे घाव लगता है तो हल्दी जो है वो लगाने से आपका घाव जो है वो जल्दी भरता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, सूजन कम करता है, तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और इसके अलावा जो बेसिक मसाले होते हैं वो मसाले आप यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला या मिर्ची को अवॉइड करना होता है हर एक खाने के अंदर, आप सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सबके अंदर। तो ब्लेंड डाइट या तो आप समझ लीजिए फीका खाना खाना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, और कभी कभी आप ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी लेने पर भी आपको पेन होगा, ये सही बात है। दूसरे नंबर पे होती है अवॉइड सम फूड्स, जैसे कि जो एसिडिटी बढ़ाते हैं वैसे फूड को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे कि मिल्क वैसे एसिडिटी डायरेक्ट नहीं बढ़ाता, लेकिन आप समझिए इनडायरेक्टली वो एसिडिटी को थोड़ा बढ़ावा देता है। तो मिल्क जो है बॉडी के लिए बहुत हैवी भी होता है डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, तो मिल्क को अवॉइड करना पड़ेगा। कॉफ़ी एंड टी मिल्क से बनता है, प्लस उसके अलावा ये एक ऐसे सब्सटेंस है कि जो स्टमक को इरिटेट कर देते हैं, तो कॉफ़ी एंड टी भी अल्सर के पेशेंट को आपको मना करना पड़ेगा, आपको नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा इनसॉल्युबल फाइबर रिच फूड, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्प्राउट है, लिग्यूम्स है, जो इनसॉल्युबल फाइबर से रिच होते हैं वो भी अवॉइड करने होते हैं। ये सारे फूड्स और स्पेशली मिर्ची हमें अवॉइड करनी है, जंक फूड हमें अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। थर्ड डाइटरी ट्रीटमेंट इज़ कि कौन से फूड लेने चाहिए, विच फूड्स टू टेक।
तो फाइबर रिच फूड्स आर वेरी यूजफुल, जैसे कि ओट्स है, दलिया है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपके फाइबर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत आते हैं। तो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मोस्टली एप्पल इज़ अ वेरी रिच फाइबर, ओके। उसके बाद ऑरेंजेस है, मस्क मेलन है, उसके बाद आलमंड एंड वॉलनट्स नट्स के कैटेगरी में, लेकिन वो भी काफ़ी रिच होते हैं फाइबर के अंदर, तो वो है। वेजिटेबल्स के अंदर आप देखिए स्पिनिच है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, ये सारे फूड्स बहुत ही अच्छे होते हैं, सुपर फूड होते हैं अल्सर के लिए। इसके अलावा विटामिन ए एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड भी फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पैटर्न में आते हैं, जो बहुत यूज़फुल है। जैसे कि विटामिन ए हमें मिल जाता है, स्पेशली मिलता है स्वीट पोटैटो में से, जो फाइबर रिच भी होता है। फिर उसके बाद मिलता है हमें कैरेट में से, जो फाइबर रिच भी होता है, स्पिनिच में से जो फाइबर रिच होता है, तो वो आप ले सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी रिच फ्रूट्स है वेजिटेबल, जैसे कि एप्पल होता है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट के अंदर आप समझ लीजिए डाइट नहीं लेकिन एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर, जैसे वॉकिंग करने से आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होता है, तो वो भी वॉकिंग भी बहुत यूजफुल थेरापी होती है इस दौरान में। फिर विटामिन सी रिच फ्रूट्स के अंदर जैसे कि आंवला है, आंवला किसी किसी को सूट होता है, किसी किसी को नहीं होता, तो डिपेंड्स अपॉन देम। देन कैप्सिकम्स है, शिमला मिर्च अलग अलग कलर के आते हैं, ये सभी प्रकार के फूड आपको लेने चाहिए। कैरेट, गाजर जो होता है वो भी आपका समझिए विटामिन ए के साथ एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, ये सारे फूड लेने चाहिए, बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो अगर ऐसा डाइट या इसमें से बनने वाला डाइट आप जानना चाहते हैं, तो लिंक में कमेंट बॉक्स में मैंने डाइट पूरा डिस्क्राइब किया है, वो सेम डाइट आप फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, एंड आपको बहुत ही चेंज देखने को मिलेगा इन अपकमिंग 15 डेज ओनली, 15 दिनों के अंदर। कम से कम 15 दिनों में आपका पेन कम हो जाएगा, और धीरे धीरे आप ऐसा डाइट करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको अल्सर की कंडीशन ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी। लेकिन समझिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ध्यान रखिए कि एक बार होने के बाद भी अल्सर रीअकर हो सकता है, इसीलिए इस चीज़ की लाइफ टाइम परहेज ज़रूरी है। लास्ट मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा, आप यहाँ तक आए थैंक यू सो मच, तो बोनस टिप आप डिजर्व करते हैं। अब अल्सर के अंदर सबसे यूजफुल टिप होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक, मतलब अपने आप को उपवास पद्धति में डालना, जहाँ पे आप 12 बजे अगर लंच करते हैं तो 6 बजे जब इवनिंग स्नैक लेते हैं, डिनर लेते हैं, तब तक आप खाना खाएं 12 से 6, उसमें भी 2 या 3 मील, बाकी के समय में आप कुछ भी ना लें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो अपनी बॉडी को टाइम मिलेगा अपने आप को हील करने के लिए, और ये सबसे अच्छा रास्ता होता है। बॉडी को खुद टाइम दीजिए, अपने आप बॉडी हील कर लेगी, बॉडी इज टू स्मार्ट अबाउट इट्स हेल्थ, ओके। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या उपवास पद्धति सबसे यूजफुल टेक्निक है, ये मॉडर्न साइंस ने भी माना है, और हार्वर्ड के कई ग्रेजुएट्स ने इसके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने भी ये चीज़ को परवानगी दी है। तो इसीलिए दैट्स इट, विद दैट वी आर एंडिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली ग्रुप्स में, किसी को हेल्प हो जाएगी। और नीचे कॉमेंट करो कि आपको अगला वीडियो कौन सा डिजीज पे चाहिए, हम उसके ऊपर ज़रूर से वीडियो बनाएंगे। डाइटिशियन गौतम जानी फ्रॉम फिटनेस विद गोमजी साइनिंग आउट।